गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा विषय है इतिहास, कक्षा चौथी, स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। तो बच्चों, सबसे मुख्य पॉइंट इस पाठ में है कि शिवाजी महाराज का की ये मान्यता थी कि स्वधर्म का पालन होना चाहिए, मतलब अपने धर्म का पालन आप जरूर करिए लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। और इसी भावना से उन्होंने यह बात अमल में लाने के लिए उन्होंने स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की थी और उस कार्य में जुट गए थे। तो आज हम स्वाध्याय के पहले प्रश्न को देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, पुणे की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित डैश का मंदिर बड़ा सुंदर स्थान था। सेकंड है, मावल प्रदेश में जगह जगह कई डैश अपनी अपनी जागीरें संभाले बैठे थे। थर्ड, शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज की एक स्वतंत्र तैयार की। आंसर देख लेते हैं, रायरेश्वर, देशमुख, राजमुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमुद्रा डैश की स्थापना का संकेत थी। शिवाजी की राजमुद्रा लोगों के डैश के लिए है, रायरेश्वर के मंदिर से मावले डैश की शपथ लेकर बाहर आए, उस काल में राजमुद्रा बहुधा डैश भाषा में मुद्रित होती थी। शिवाजी की राजमुद्रा डैश भाषा में थी। उत्तर देख लेते हैं, स्वराज्य अर्थात राजमुद्रा यह स्वराज्य स्थापना का एक संकेत थी। उसके बाद है कल्याण, स्वराज्य फारसी और संस्कृत। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर लिखो, रायरेश्वर के मंदिर में अंत में शिवाजी महाराज ने निश्चय पूर्वक क्या कहा। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी ने कहा कि हिंदवी स्वराज्य के रूप में राज्य हो, ऐसी ईश्वर की इच्छा है, भगवान की यह मनोकामना हम पूरी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जीजाबाई को कौन सा विश्वास होने लगा। जीजाबाई को यह विश्वास होने लगा कि उन्होंने जो सपना देखा था, जो सोचा था, शिवाजी महाराज उसे अवश्य पूरा करेंगे। शिवाजी महाराज ने किन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। आपका आंसर होगा, शिवाजी महाराज ने गुप्त मार्गों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूदों, अस्त्र शस्त्रों तथा दुश्मन सेना के स्थानों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। शिवाजी महाराज ने किन बातों की रोकथाम करने का दृढ़ निश्चय किया। आपका आंसर है, मावल प्रदेश में मराठे पद के लिए आपस में लड़ते रहते थे, शिवाजी महाराज ने इस झगड़े की रोकथाम करने का दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद है, मावल प्रदेश के मराठे शिवाजी महाराज को धन्यवाद क्यों देने लगे। आपका जवाब होगा, शिवाजी महाराज ने मावल प्रदेश के मराठों के आपसी झगड़ों को समाप्त करवाया, इसलिए मावल प्रदेश के मराठे शिवाजी महाराज को धन्यवाद देने लगे। शिवाजी महाराज के प्रशासन का उद्देश्य क्या था। हमारा आंसर होगा, शिवाजी महाराज के प्रशासन का उद्देश्य था लोक कल्याण करना। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के साथ साथ और किसे महत्व दिया। तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के साथ साथ स्वभाषा तथा स्वधर्म को महत्व दिया। यह मुख्य क्वेश्चन कि शिवाजी महाराज का लक्ष्य क्या था। तो आपका आंसर होगा, शिवाजी महाराज का लक्ष्य यह था कि अब आगे से दूसरों की दास्ता नहीं करनी है, दास्ता अर्थात गुलामी, हमें गुलामी नहीं करनी है, सबके लिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें अपना सर्वस्व अर्पण करना है। तो ये इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं।
पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।